किसी भी बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो इंडिया में होते हैं डिफरेंट स्टेट में, जनरल अवेयरनेस का कॉमन पेपर है, 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस का सेट है, थर्ड सेट है। पहले दो सेट हम डिस्कस कर चुके हैं जो लेटेस्ट पैटर्न है। तो इसका सिलेबस क्या है ये रीड नहीं करूंगा मैं। एजुकेशन साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, चलो लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, करंट इवेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन, हु इज हु, इसके अनुसार ये पेपर जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ डीपीआई पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी, डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो नया शब्द जो है वो डायरेक्टोरेट है यहाँ पर, क्योंकि सेकेंडरी लेवल की बात है, एलिमेंट्री की इंडिकेशन कोई नहीं है, तो फर्स्ट को टिक करेंगे राइट आंसर की तरफ, लेकिन सबसे करीब ये दोनों आंसर हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज द करंट चांसलर ऑफ, ध्यान से पढ़ना है इसको कि चांसलर लिखा है, वाइस चांसलर नहीं लिखा। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मली स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, तो वो इनमें से क्या है ये पूछा गया है, हु इज द करंट चांसलर ऑफ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर होता है, तो यहां में हम गवर्नर की पहचान करेंगे। और ये तीन चार क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, गवर्नर कौन है, श्री बनवारी पुरोहित। तो अगर वाइस चांसलर पूछा जाता तो फिर था आंसर डॉक्टर जसपाल सिंह संधु। ये डिफरेंस समझना है, वाइस चांसलर पूछा गया है तो वो एक स्पेसिफिक नेम ही होगा, अगर स्टेट किसी भी यूनिवर्सिटी, वो स्टेट है और उसका गवर्नर है तो वो सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर वो गवर्नर ही होगा, राइट आंसर वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट वाइस चांसलर, नाउ वाइस चांसलर है जगत गुरु नानक देव पंजाब राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है, हु इज द करंट वाइस चांसलर ऑफ जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन है प्रोफेसर करमजीत, जगत सिंह, नानक सिंह, जगदेव सिंह। तो याद रखने के लिए गुरु नानक, नानक के क से करमजीत को जोड़ लीजिए, थोड़ा सा याद रहेगा। और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पंजाब की ये ओपन यूनिवर्सिटी पे, जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला में है और इसके एब्रिवेशन JGNDPSOU, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और ये स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट 2019 को एस्टेब्लिश हुई थी। तो इसके साथ जो तीन चार क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये बन सकते हैं, नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, साथ साथ में वो डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन, अगर आपको नहीं पता तो अपने गैस कैसे लगाना है। ये रहा टीचर और ये रहा एजुकेशन, ये देखिए कि वो एब्रिवेशन यहां पर कोई बनती है, यूजीसी में टीई नहीं है, एमएचआरडी में टीई नहीं है, एनसीटी में टीई है, तो एनसीईआरटी, ये मैं बार बार कहता हूं कि आर से मोस्टली रिसर्च ही होता है, तो यहां पर रिसर्च भी नहीं आ रहा, तो राइट आंसर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सी इज राइट आंसर। ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आप टीचर एजुकेशन का कोर्स ही करने जा रहे हो, जो बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो, जहां डीएलएड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मैं इसको याद कैसे रखता हूं, जब भी ये भूलता हूं याद कैसे रखता हूं, ये लिखा एम और ये लिख दिया उल्टा एम, तो एम का उल्टा से जुड़ रहा है वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच इज राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एजुकेशन फॉल्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट लिस्ट। ये आपकी ऑप्शन और भी हो सकती है, सेंट्रल लिस्ट भी आ सकता है, स्टेट लिस्ट भी, कंकरेंट लिस्ट भी। स्टेट लिस्ट का मतलब है कि ऐसा विषय है एजुकेशन जिस पर सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, पर ऐसा नहीं है, स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है। तो जब दोनों सेंटर और स्टेट किसी विषय पर कानून बना सकते हैं तो उसको कंकरेंट लिस्ट उसके लिए होती है। तो एजुकेशन अब जो है इन प्रेजेंट कंकरेंट लिस्ट है, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
अपने अपने ला उस पर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, हिंदी में भी इधर है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेस 2011 की सेंसेस रिपोर्ट, द डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी रेट ऑफ मेन एंड वुमेन इन इंडिया इज अबाउट, राइट आंसर इज 17। क्योंकि हमें क्वेश्चन ये पता होना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए कि डिफरेंस एक्चुअल रेशो क्या थी। तो रेशो अगर पता है, नॉर्मली उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व हो रहे हैं। 2021 में जो मेल की रेट था वो 82.14 है, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, और फीमेल्स का लिटरेसी रेट जो है 65.46 है। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट इतना ही पूछा जा सकता है। कई बार तो ऑप्शन ऐसे आते हैं जैसे 82.14 है ना, तो 82.15 आ सकता है, 82.24 आ सकता है, 82.34 आ सकता है। तो ये याद रखना है कि 82.14 है, और ऐसे ही फीमेल का 65.46 है। तो पिछले क्वेश्चन में इसका डिफरेंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टू बी रैंक्ड अमंग द टॉप 100 इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कौन सा हो सकता है इंडिया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ शक किया जा सकता है, छोटा सा टिक लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं, ये इनका नाम कम सुना है, ये क्वेश्चन मार्क है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसका ज्यादा, टेक्नोलॉजी और साइंस ये ज्यादा ऊपर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये भी शक है। अगर मुझे कोई नॉलेज नहीं है, जो मैं जनरली टॉप इंस्टीट्यूट सोचता हूँ तो वो IIT सोचता हूँ और साइंस सोचता है, लेकिन राइट आंसर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये याद रखना है साथ में, बेंगलोर। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, विच स्टेट इज होम टू द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सबसे पहले भारत में किस राज्य में ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी। तो आंसर है, जो पिछले वीडियो में याद रखा था, आंध्रा जब लिखा था तो वहां, यहां मैंने लिखा था कि राइस बॉयल है ना, के चावलों का कटोरा, इनको आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, तो यहाँ भी चावलों के कटोरे में ओपन यूनिवर्सिटी पड़ी हुई है, ये राइस और ये पड़ी है कटोरा और इसमें ओपन है, और राइस डाल दो भाई, ओपन यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में खुली थी, जिसका नाम पहले आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी था, ओपन यूनिवर्सिटी, उसके बाद इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं क्योंकि इस पर और क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इनिशियली नोन एज आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी सेटअप ऑन 26 अगस्त 82 में, कोई दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 82 में, पहला हो गया आंध्र प्रदेश में, ये तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पहला नाम इसका क्या था, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, ये कम चांसेस है। चौथा इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है वो क्या है कि इसका लेटेस्ट नाम क्या है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो 26 अक्टूबर 1991 को इसका रीनेम किया गया था, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, विच गुरु कंपाइल द सिख स्क्रिप्चर नोन एज श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो संकलन था, जो पंजाबी विच संपादना असी कहने हैं, संकलन था, वो किस गुरु साहबान ने किया था, गुरु नानक देव जी नहीं, हुआ क्या था कि गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों में जहां भी जाते थे, किसी संत से मिलते थे, उनकी बाणी जो कलेक्ट कर रहे थे, तो गुरु नानक देव जी के बाद नेक्स्ट गुरु को वो बाणी उन्होंने सौंप दी, ऐसे करते करते नेक्स्ट गुरु 5th गुरु तक पहुंची, तो 5th गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने इसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना, उसको एक साइंटिफिक ऑर्डर में रख के हमको एक खजाना दे दिया, तो राइट आंसर इज श्री गुरु अर्जन देव जी। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सिख रूलर, प्रथम सिख शासक कौन था,
ये क्वेश्चन मुझे आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप सोच सकते हो कि राइट आंसर क्या हो सकता है। चलो इन पर शक कर लेते हैं कि ये शासक नहीं थे, ये संत थे, है ना, तो ये रॉन्ग आंसर मान लेते हैं। क्या बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह? अब ये तीन क्रिटिकल हैं, तो मोस्टली हो सकता है कि आप महाराजा रणजीत सिंह को फर्स्ट शासक मान रहे हो, तो वो गलत आंसर है, फर्स्ट नहीं है। बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद फर्स्ट रूलर जो घोषित किया गया था। आगे मैं पढ़ा देता हूँ, राइट आंसर यहाँ बंदा सिंह बहादुर आएगा। एंड उसका जो डिटेल है और क्वेश्चन इनमें से कौन कौन से बनते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं साथ साथ में। बंदा सिंह बहादुर के और कौन कौन से नाम थे? बंदा सिंह बैरागी नंबर एक, लक्ष्मण दास नंबर दो, लक्ष्मण देव, तो ये नाम हिस्ट्री में, अच्छा माधो दास, चार नाम हैं, तो इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक प्रमुख सिख सैन्य नेता और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले सिख शासक थे। उनका जन्म जो 1670 ईस्वी पंजाब राज्य में हुआ था, जो अब आधुनिक भारत और पाकिस्तान का हिस्सा है, आधुनिक भारत का नहीं है, वो आज पाकिस्तान का हिस्सा है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो ये दो आंसर मेन बन रहे हैं, एक उनके नाम पूछे जा सकते हैं, उनका बर्थ पूछा जा सकता है, और कब उन्होंने फर्स्ट शासक है ना जो वो 18वीं सदी में। नेक्स्ट इज विच सिटी इन पंजाब इज कॉमनली रेफर्ड एड विराट की सिटी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा, विराट की नगरी, पंजाब में किस शहर को आमतौर पर विराट की नगरी कहा जाता है? मुकेरियां, चंडीगढ़, होशियारपुर, दसूआ, तो राइट आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर इन 1997 द टाउन इज रेफर्ड टू द एंशियंट इंडियन एपिक महाभारत एज बीइंग द सीट ऑफ किंग विराटा, तो ये महाभारत में जो रेफरेंस मिलता है, विराट किंग थे, उनकी सिटी थी, तो दैट इज़ वाई उनको रेफर्स करके दसूआ को, जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है, उसको अभी भी विराट की नगरी कहा जाता है। तो दसूआ ये हो सकता है, होशियारपुर इसीलिए डाला है कि होशियारपुर, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में ये दसूआ है। गणेश दास चार बागे पंजाब इज द मिड 19th सेंचुरी बुक रिटन इन विच लैंग्वेज, ये क्वेश्चन एक से ज़्यादा बन रहे हैं, इसको इसलिए ऐसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, क्योंकि इस बुक पर नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो इसमें ऑलरेडी उत्तर दिया गया है, गणेश दास, है ना, तो गणेश दास किस बुक के लिए पॉपुलर थे, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चार बागे पंजाब, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लिखी गई, मिड 19th सेंचुरी में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, नेचुरली वो पंजाब से रिलेटेड होगा, सोशल कल्चरल की बात इसमें की गई है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पांच क्वेश्चन लगभग डिस्कस हो गए, मेन क्वेश्चन क्या है कि किस लैंग्वेज में है, पंजाबी में नहीं है, उर्दू में नहीं है, अरेबिक में नहीं है, पर्शियन में है, राइट आंसर है ना गणेश दास, चारे बागे पंजाब। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एनालिसिस ऑफ चारे बागे पंजाब, ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि उसका टोटल अगर कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, तो साथ में और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाब तो क्लियर है, पॉलिटिकल हिस्ट्री नो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पंजाब नो, सोशल एंड कल्चर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल कल्चर हिस्ट्री ऑफ पंजाब, मिलिट्री स्ट्रेटजीज और इन पंजाब नो, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स विच वन बुकर प्राइज इन 1997? देखिए ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन में 4, 3, 5 आंसर हैं, तो अरेंज ऐसे किया गया है, ऐसे क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं, तो यहाँ पर है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको बुकर प्राइज मिला, कब मिला, 97 में।
मुझे भी वैसे वैसे ही याद है, इसका राइट आंसर अरुंधति राय। अब इसके साथ अगर जोड़ना चाहते हो आप गॉड ऑफ स्मॉल को, एस एम ए, ऐसी भी हो सकता है एस एम, आप एक बार ए देख के भी ऐसे याद कर सकते हो। ए को मैंने बड़ा क्यों लिख लिया, एस एम ए डबल एल हो गया, तो ए से, क्योंकि अरुंधति राय जो हैं वो ऑथर हैं इनके, जिनको भी ये प्राइज मिला। ए के साथ मैंने साथ में बी लिख लिया कि बुकर प्राइज मिला, तो ये याद हो गया है ना। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें केमिकल के साथ, केमिस्ट्री के साथ वो जो रिलेटेड टर्म है आप उस पर फोकस कीजिए अगर आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं है। तो उसमें से सेल मैं निकाल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मॉलिक्यूल भी मुझे क्लियर है कि यार नहीं, मैंने ये पढ़ा है कि सबसे छोटी इनडिविजिबल आइटम जो है वो एटम होती है, तो इसको मैं राइट आंसर लगा रहा हूँ। तो राइट आंसर यही है, राइट आंसर क्या है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी इसने संभाल के रखी होती है, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ये तीन आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तीन क्वेश्चन के एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पिछले क्वेश्चन में ये प्रोटॉन एक ऑप्शन थी, तो एटम जो है छोटी से छोटी जो जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसके ये तीन कंपोनेंट या एलिमेंट है या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इस पर क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। धातु अगर थोड़ा सा देखें तो आयरन धातु है, इसको सबसे पहले मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन सोडियम कैल्शियम कैलोरीन क्या है इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो वैसे राइट आंसर आपको बता देता हूँ, कैलोरीन है ना, कैलोरीन इज राइट आंसर। इसको जानने के लिए अगर साइंस स्टूडेंट आप नहीं हो तो इसके रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो है ऑक्सीजन कार्बन सल्फर एंड कैलोरीन आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल, इनको साथ में लर्न कर सकते हो। ऑक्सीजन तो पक्का पता है, कार्बन हाँ हो सकता है, इसको लर्न कर लीजिए, ऑक्सीजन को मेरे ख्याल में क्लियर है, सल्फर कैलोरीन मुझे नहीं है पता, अधातु है इतना ज्ञान नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक क्या है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अब हमें पता है कि हम जीवित हैं कि उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी है मेरे ख्याल में 21% है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ये अदर गैसेस में आ जाती हैं। नीचे लिंक है, नीचे लिखा हुआ है उसमें से पढ़ लेते हैं, हाँ 78% नाइट्रोजन है। ये अलग से क्वेश्चन क्योंकि पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन कितनी होती है, साइंस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन कितनी होती है 78% ये पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st विटामिन पर है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में है, कारण ये है कि अगर आप ये देखो सच लगाओ कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा किस विटामिन की कमी पाई जाती है, तो उसका आंसर डी आएगा, डी विटामिन की, क्योंकि हमने धूप से एयर कंडीशनिंग में या धूप से भाग के जो अर्बन लोग हैं उनमें ये डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 70% लोगों में डी की कमी है, कैल्शियम अब्जॉर्ब वगैरह करना है, तो अगर आप थकान ऐसा कुछ महसूस करते हो तो डी कम होगा। दूसरा जो है जो इंडियन में कम पाया जाता है, पर्टिकुलरली जो वेगन और वेज हैं जो मांस मच्छी नहीं खाते, वो B12 की कमी उनमें पाई जाती है। तो इसका मतलब मांस मच्छी खाना बिल्कुल नहीं है, ये मेडिकल साइंस आपको कंपेल कर सकती है इन वैल्यू से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपनी डाइट के लिए कभी किसी को किल नहीं करना, तो क्योंकि उसका रिटर्न आपको देना पड़ेगा। हाँ, B12 जो है, यहाँ क्वेश्चन क्या है,
क्योंकि एक वीडियो मेरा इसी पर है कि B12 जो वेज लोग हैं वो B12 कहाँ से ले सकते हैं, खमीर है, चावलों को दही में डाल के, ऐसे कई तरीके हैं सिंपल जिनसे हमें मिल जाता है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, वो खुराक हम लेते नहीं है, दैट इज़ वाई B12 कम हो जाता है। तो मेन क्यों है ये क्वेश्चन बनाया क्यों है, B12 प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ स्किन में है ये चाहिए, अगर स्किन में होता तो मेरे ख्याल में लड़कियां सबसे ज़्यादा B12 खा लेती, हेयर प्रॉब्लम है ना, स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं, वो उसके लिए कैल्शियम डी वो चाहिए, नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग के लिए है, न्यूरॉन्स जो हमारे होते हैं ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, और दूसरा ब्लड सेल्स के लिए, तीसरा DNA के लिए B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वाई आपको अगर नहीं कमी है, कुछ सिम्टम मिल रहे हैं, थकावट होती है वगैरह वगैरह, तो नेचुरली है आपको फिर एडिशनल सप्लीमेंट वो जो लेने ही पड़ेंगे ज़रूर। मैं मेरे स्टाफ में मैं नॉर्मली ये कहता हूँ, डी आपका कम है, B12 को कम है, तो जिनको भी कहा थोड़े सिम्टम फटीग के, थकावट के, सुस्ती के, है ना, तो मेमोरी लॉस के थोड़े दिखाई देते हैं, तो जब टेस्ट कराते हैं वही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम, इस पर मैंने ज़्यादा जोर क्यों लगाया, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये तो 22nd क्वेश्चन है, विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत क्या है, डेयरी उत्पादक जो दूध वगैरह हैं, लिफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स, सनलाइट एक्सपोजर, मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जो सनलाइट से है, देखिए जो रूरल लोग हैं वो सनलाइट में काम करते हैं, सुबह शाम काम करते हैं, तो उनका डी नहीं कम होता, जो शहर वाले हैं उनका कम होता है, जो एसी में ज़्यादा बैठ रहे हैं उनका कम होता है, उनको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, और इसके लॉस, इसके मतलब सिम्टम आप देखोगे तो आपको मिलेंगे, यस यार मेरे में है, पीछे ही बात करके आया, उनका डी सबसे ज़्यादा कम पाया जाता है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 23rd, सिंधु घाटी की सभ्यता कब विकसित हुई, तो इसका राइट आंसर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को सबसे पुराना है, तो हम पुराने वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ये लगभग यहाँ, ये लगभग है, अराउंड है, तो एग्जैक्ट क्या है, यहाँ ऑप्शन है, इंदू वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज इंदू सिविलाइजेशन वाल, अच्छा ये किस पीरियड में थी, हिंदी में भी आप साथ में देख लो, हिंदी वाले अपनी मातृभाषा पंजाबी या जो जिस भाषा में देखना चाहते हो, ये दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक कांस्य युग, ये है, किस युग में सिविलाइजेशन पाई गई थी, ब्रॉन्ज, है ना, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ साउथ एशिया लास्टिंग फ्रॉम 33 BCE टू 13 BCE एंड इट्स मैच्योर फॉर्म 2600 टू 19 BCE, तो इन ये सबसे किसके करीब बन रहा है, देखो ये उल्टा चलेगा क्योंकि BCE है ना, बिफोर क्राइस्ट, तो ये यहाँ से ये कम होएगा 32, 31, है ना, ऐसे ऐसे चलेगा, तो 19वीं सदी तक जो है 19 BCE तक, लेकिन तो इसका जो बिल्कुल करीब किसके आ रहा है, ये 2500 BCE बिफोर का क्राइस्ट, है ना, आज से लगा लो आप कितना बन गया, लगभग 5000 के करीब बन जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विच सिटी डिड महाराजा रंजीत सिंह मेक इट्स कैपिटल, विच सिटी डिड महाराजा रंजीत सिंह मेक हिज कैपिटल, महाराजा रंजीत सिंह ने शहर, किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, अब मेरे ख्याल में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, पंजाब की हिस्ट्री में से है, पटियाला को बनाया था, नहीं नहीं इसको नहीं बनाया था, फिर लाहौर को बनाया होगा, यस इसको बड़ा सा लगा लेते हैं, चंडीगढ़ तो बिल्कुल नहीं ना, ऑप्शन कैसी डाली, अमृतसर थोड़ा सा सोच सकते यार, लेकिन लाहौर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, द लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड टू रिकॉर्ड द टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध,
महात्मा बुद्ध का जो लिटरेचर है वो भी किस भाषा में मिलता है, जो शिलालेख मिलते हैं जहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में जो उनकी जो टीचिंग्स है वो लिखी मिलती हैं ना, तो वो किस भाषा में मिलती है? ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, दैट इज़ पाली। महात्मा बुद्ध ने एक भाषा पाली थी, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है 26th, वट इक्विपमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द मैयर ऑफ अर्थक्विक, किसके साथ? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। टेलीस्कोप, तो ये यार देखने वाली चीज़ नहीं होती, जैसे मैं अंदाज़ा लगा के ऐसे चल रहा हूँ तो ये नहीं होगा यार। रिक्टर पैमाने पर मापा गया है ना, ये हो सकता है, ऐसे सुना है। और फ्लड, ये आ गया, फ्लड ने रिजेक्ट करवा दिया। सिस्मोमीटर, देखिए ध्यान से, मैंने हिंदी अब पढ़ी है तो हिंदी में भूकंप मापन साफ लिखा है, तो ऐसे आप जो सेकेंड लैंग्वेज है उससे हेल्प ले सकते हो। और दूसरी भाषा, अगर आपकी पहली भाषा मातृभाषा या हिंदी भाषा इसमें पढ़ रहे हो तो उसके बाद इसको भी देख लेना चाहिए। तो ये दूरबीन आंखों का काम आ गया, रिक्टर पैमाना है ना, उसका पैमाना है, बार सेंसर, ये तो दूर दो वैसे ही निकल गए, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है, भूकंप साफ ही लिखा हुआ है। तो ये आंसर हो गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया आपका 1 नंबर पक्का। विच प्लैनेट इज ऑफन रेफर टू एज ए वाटरी प्लैनेट, गैस लगाओ तो कौन सा हो सकता है? सिंपल है, वेरी सिंपल, क्योंकि अर्थ पर ही वाटर सबसे ज्यादा है, उसके कारण। एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, ब्लू जो है प्लैनेट कौन सा है? वो पानी के कारण, अर्थ इज कॉल्ड, हिंदी में पढ़ लेते हैं यार चलो। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर 71% जो हिस्सा है पानी से ढका हुआ है। लेकिन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स ली बाय द इंडियन गवर्नमेंट, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार द्वारा लगाया कर नहीं है, टैक्स कौन नहीं है? इनकम टैक्स, कौन कौन सा है देखिए भाई, इनकम टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी तो हम दे रहे हैं, ये होता है, हो गया, इसलिए क्रॉस कर दिया इसको। वैल्यू एडेड टैक्स ये भी है, तो इनकम टैक्स भी देते हैं। ऐसे मैंने क्या किया, जो रॉन्ग ऑप्शन थी उनको डिलीट कर दिया, तो राइट ऑप्शन तक पहुंच गए, जहां बेस्ट ऑप्शन तक हम पहुंच गए, तो राइट आंसर है फेडरल रिजर्व टैक्स। और कौन से टैक्स हैं जो डायरेक्ट लगाए जाते हैं, इनडायरेक्ट लगाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्ट जो लगाए जाते हैं टैक्स, नंबर एक इनकम टैक्स, दूसरा गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स है ना, जो एफडी आपकी मेरे ख्याल में उस पर कैपिटल गेन ये होगा। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड वैल्यू एडेड टैक्स, ये हो गया, दूसरा सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सारे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज टैक्स सच एज कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नॉर्मली इकोनॉमिक्स के पार्ट में से वो हो सकते हैं। 29th क्वेश्चन है, एनी पीपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक है ना, इसमें यूनिट न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो नॉर्मली वो क्वेश्चन 2020 में ही से या 86 में आएगा। एनईपी 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है, सरकार का नाम क्या, उसका नाम क्या है ना। स्टेट अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 स्टेटेड एस्टेब्लिश्ड, एनईपी 2020 स्टेटेड टू एस्टेब्लिश ए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑन गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द नेम ऑफ, है ना, तो वो प्लेटफॉर्म डिजिटल कौन सा है? नेचुरली हम तुक्का लगाएंगे, तुक्का कैसे लगाएंगे, डिजिटल है तो डी कहीं आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, इसको रिजेक्ट कर दिया। निष्ठा में कहीं आ रहा है, डी नहीं आ रहा है, तो डी इसमें और इसमें आ रहा है, तो ये राइट आंसर होगा। अब ये कहा इन्होंने, मुझे मान लीजिए राइट आंसर नहीं पता, पता मैं ढूंढ रहा हूं,
तो इन्होंने कहा डिजिटल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट लिटरेसी और कोई हिंट नहीं है। राइट आंसर इसमें है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, SHA का मतलब है शेयरिंग। इस पर क्वेश्चन आएंगे, मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो देख लीजिए। कम से कम 20 क्वेश्चन हर ऐसे मेन जो गवर्नमेंट ने डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड पीरियड, तो वो ज़रूर आ सकते हैं। ये इसको नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। यहाँ पर लिटरेसी और उसकी बात की गई है, इनमें से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही एक है ना। दूसरा ये निष्ठा है, निष्ठा का कुछ नहीं याद रखना क्योंकि ज़्यादा लंबा है, याद नहीं रखना इसका TH याद रखना, टी टीचर्स के लिए, क्योंकि आप जी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, टीचर बनने के लिए दे रहे हो, दैट इज़ वाई ये पूछा जा सकता है। और H हेड्स के लिए है, इतना याद रखना आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे अगर इसकी फुल फॉर्म भी आइडेंटिफाई कर दी हुई तो भी आप टीचर्स एंड हेड, बस इतना निष्ठा का टीचर्स एंड हेड ये याद रखना है। बाकी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कई वीडियो में हो चुका है, R से ज़्यादा रिसर्च ही होता है, ज़्यादा जो बॉडीज़ है ना नेशनल बॉडीज़ एजुकेशनल बॉडीज़, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आने ही आने हैं। अच्छा दीक्षा स्टैंड फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इट इज़ नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म विच इज़ करंटली बींग यूज टीचर एंड स्टूडेंट्स अक्रॉस द नेशन टू प्रोवाइड स्कूल एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड। ये बेसिक जानकारी है जो दीक्षा के रिगार्डिंग है। ऐसे ही निष्ठा और भी वो है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, हु वन रनर अप इन IPL 23, तो जो मेन जीता था वो चेन्नई ने जीता था इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट ये आए थे, सेकंड कौन आया था है ना, हाँ गुजरात टाइटंस ये सेकंड आए थे। तो ये जनरल अवेयरनेस का ये सेशन था, नेक्स्ट और सेशन जनरल अवेयरनेस के होंगे, नीचे लिंक दिए होंगे। कोई सुजेशन हो, फीडबैक हो, सभी का वेलकम है और मैं उसके अनुसार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पंजाब वाले जो पढ़ रहे हैं तो वो ये पोर्शन पंजाबी में आना है आपको, ठीक है। तो ये वीडियो और के भी काम आ सकता है, बाहर वालों के काम, दैट इज़ वाई मैं हिंदी में साथ में बना रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।